विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लं वरदरं देवं सजीवर्णां चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याय सर्वविघ्न प्रसादये अभीप्सितार्थ सिद्धार्थ पूजितो असुरासुरे सर्वविघ्न हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्ये सुनास्तिते सर्वमंगलम् एतहृदयस्थो भगवान मंगलाय तनो हरि तदेव लग्नाम् सुदिनां तदेव हृदयस्थो जनार्दन यत्र योगे स्वनः कृष्णो यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर्भूति ध्रुवानीतिर्मतिर्मम अनन्यासीं दयाल्दो माये जना परिउपासते ते शरणं हरि सर्वेश्वरं कार्येषु त्रस्त्री भुवनेश्वर देवादि संगुनः सिद्धि ब्रह्मेशनादन विश्वे संवादंडवाणी च वैरवं वंदे काशीमुखा भवानी वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि सम प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं कुरु मानं ब्रह्म विष्णु महेश्वरं सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकामार्थ सिद्धाय वागर्ता विव संपृक्तो वागर्ता प्रतिपत्तय जगत पवित्रो वंदे पार्वती परमेश्वरो विघ्नेश्वराय वरदाय सुरा प्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते या श्री स्वयं सुकृति न भवने स्वलक्ष्मे पापात्मनां कृतधियं हृदये सुबोधे सर्दसतम कुलजना प्रभव सलाजा ताम त्वाम नतास्म परिपा लाया देवी विश्वम ओम शांते शांते सुशांति रवतु सर्वारिष्ट शांति रवतु अयम आरंभाय भवतु शुभारंभाय भवतु ओम शांति 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 सुशांति भवतु सर्वारिष्ट शांति भवतु ओम 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 मंत्र स्पांजलि समर्पयामि ओम प्रियंताम नमः नमस्कारोमि प्रणाम करी अच्छे दिशे स्वाहा
ओम पूर्व दिशे स्वाहा, उत्तराय दिशे स्वाहा, दक्षिणाय दिशे स्वाहा, हरवाच दिशे स्वाहा, प्राच्य दिशे स्वाहा, ओम उदिच्य दिशे स्वाहा, ओम ध्याय दिशे स्वाहा, अर्वाच्य दिशे स्वाहा। हाथ में लियो अनंत पूरा चारों करना चाहिए। प्रतिपदा तिथो श्रीमदा श्रीमदा भागवत कथा श्रीमदा भागवत कथाम चौब्यासाम श्रीमदा राम कथा चौब्यासाम आपनोति प्राप्तनोति श्रीराम कथा महम नौ दिवस्य सुख वृद्धि अर्थम धन वृद्धि अर्थम चतुर्थ फल प्राप्यर्थम च महम श्री शरमाहम श्री मद रामचरित मानस महम करिष्ये कारिष्ये ओम जगजाग्रतो दूर मुदेति दूरंगम ज्योतिकं ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु ओम संकल्पितार्थाः सिद्धयः सन्तो पूर्णाः सन्तो अनुरोधः शत्रूणां बुद्धीनां मृतानां उद्यस्तव ओम 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 देवासय मादयन्दामो प्रतिष्ठ ओमस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तो अस्य प्राणा चरन्तु च अस्य देवतर्पमान चायै मामहेति सकश्चन ओम ध्यानार्थे आसनार्थे ओम गृहसाम्बिकाभ्याम नमः ओम पाद्योपाद्यम हस्त्योर्घ्यम मुखे आचमन्यम सर्वांगे स्नान्यम ओम पाद्योपाद्यम हस्त्योर्घ्यम मुखे आचमन्यम सर्वांगे स्नान्यम गणेशाम्बिकाभ्याम नमः पाद्योपाद्यम हस्त्योर्घ्यम मुखे आचमन्यम सर्वांगे स्नान्यम गणेशाम्बिकाभ्याम नमः ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहोपवये श्रियाम् ओम गणेशाम्बिकाभ्याम नमः
तुलसी पत्रम समर्पयामि, ओम तुलसी पत्रम समर्पयामि। गणेशा नैवेद्यानिगणेशाभ्याम हाथ में एगो फूल लियो हिनको दियो न। ओम गणानंत्वा गणपति गुं हवा महे प्रियानंत्वा प्रियापति गुं हवा महे निधिनंत्वा निधिपति गुं हवा महे बसो मम आहम जानी गर्वधामा त्वम जा शिगर्वधामा। ओम मंत्रस मांजलि समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्याम नमः। प्रियतां नमः नमस्करोमि मनसा परिकल्पय ताभ्यो नमः। अर्घाम कनी जल लियो कनी चंदन दियो। ओम गंदावाल हा गंदावालो ओम अगुंग सुनाते अगुंग सु खूब जता मुरुख गंदते सोमो मद तू रुजाय अछुत ओम गंदो दग स्नान एवं समर भयामी वरदा द्यावाहि देवता भ्यो नमः। ओम गंदो दग स्नान वा शुद्धो दग शुद्ध जल दियो ओम सुधावाल हा ओम सुद्धोदक सुधावाल हा सर्व सुधावालो मणिवाल स्तासुन श्वेतः श्वेतास्तो रुद्राय पशुपतये कारणाय लुप्तारुद्रनमो रूपाय पार्जन्याः। ओम समर्पयामि शुद्धोदक स्नान समर्पयामि वरदायावाहि देवताभ्यो नमः। शुद्धोदक स्नान वा आचमनीयं जलम वरदा द्यावाहि देवता भ्यो नमः। चंदन दियो ओम चंदन ओम गंध द्वारा अंदर साम जस्त पुष्टाम करे स्वर्ण ईश्वर मिश्र भूतानाम दाम्यो हो पवयस्यम इति मनो लेपनम। वरदा द्यावाहि देवता भ्यो नमः। अक्षत दियो अक्षत नमो बिलमीने चकावाचीने चरम वर्मीने चवारुतीने चनम हसुताय च श्रुतसेनाय चरम दुन्दव्याय च हनन्याय च बेलपत्रम समर्पयामि वरदा देवाय देवता भ्यो नमः। तुलसी पत्रम दियो तुलसी पत्रम समर्पयामि वरदा देवाहि देवता भ्यो नमः। अबीर दियो फूल मलयक अबीरम च कुलालम च शोभा चंदन मेव च अबीरे नार्जितो देवा ददाति प्रयच्छ मे अबीरम कुलालम समर्पयामि वरदा देवाहि देवता भ्यो नमः। एलालम पुंगी फल समर्पयामि वरदा देवाहि देवता भ्यो नमः। वारक में वंदनन मृत्यु और सुवंति द्रव्यम समर्पयामि वरदा द्यावाहि देवता भ्यो नमः। भगले वस्त्र दियो वरदा द्यावाहि देवता भ्यो नमः। वस्त्रांते आचमनीयम् जलम् निचाम जल दियो वरदा द्यावाहि देवता भ्यो नमः। यज्ञोपवीत दियो ओम यज्ञोपवीतम् परमं पवित्रम्
आयुष्मग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः ॐ समर्पयामि वर्णादेवाहि देवताभ्यो नमः। पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पमाल्यं समर्पयामि आत्मिको फूल्य रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ओम रमो राजमनी सदाय विजयते रामो रम संपद रामे नाभ्यतानि सातर समो रामाय तस्मै नमः। ओम मंत्रस्पांतलि समर्पयामि सौ सीताराम लक्ष्मणाभ्यां नमः प्रियंताम नमः नमस्करोमि। दधतीम करे स्त्री नायन सर्वांग भूषावृत नीलास्मद्युतिमास्य पाद दशक सेवे महाकालिका यामास्तोत्सपिते हरौ कमलजो हन्तु मधुम केटवम। ओ मंत्रस्पांदलि उनका पढ़ दियो श्री दुर्गा देव्ये नमः प्रियंताम नमः नमस्करोमि। सुपर्ति सिद्धो वरदो भवेताम ओम सर्वोपचारार्थे गंधाक्षवाणी समर्पयामि आवाहित पूज प्रतिष्ठित देवी देवता भ्यो नमः प्रियंताम नमः नमस्करोमि प्रणाम करी। समप्रभा निर्विघ्नं कुरुमेव देव सर्वकार्येषु सर्वदा यही अर्जी है अपनी नजरें खत्म कर दे मेरे तुम ही तो हो देवा हर घर में मंगल कर दे चराग दिल का जलाओ बहुत अंधेरा है हमारे घर भी पधारो देवा बहुत अंधेरा है प्रेम से बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय गणेश जय महादेवा
जय गणेश जय महादेव, जय गणेश जय महादेव, जय गणेश जय, जय गणेश जय महादेव, जय गणेश जय महादेव, जय गणेश। ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः, ओम नमो नमो, ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः। जय गणेश जय महादेव, जय गणेश जय 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 जय, जय गणेश जय महादेव, जय गणेश जय बहुत दूर से आया हूँ मैं, बहुत दूर से आया हूँ मैं, खाली झोली लाया हूँ मैं देवा, बहुत दूर से आया हूँ मैं, खाली झोली लाया हूँ मैं, मुझको छूकर पावन कर दे, मुझको देवा सदा सुहागन कर दे, मुझको छू कर पावन कर दे, मुझको देवा सदा सुहागन कर दे। लड्डूवन के भोग लगे, लड्डूवन के भोग लगे, संत करे सेवा, जय गणेश जय 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 जय, जय गणेश जय महादेव, जय गणेश जय महादेव, जय गणेश जय महादेव। ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः, ओम नमो नमो नमो। ओम नमो नमः, पार करे नैया वो पार्वती मैया, जो भाग जगाता है महादेव कहता है, जो भाग जगाता है महादेव कहता है, माता जा की पार्वती, माता जा की पार्वती, विदा महादेव, जय गणेश जय महादेव, जय गणेश जय महादेव, जय गणेश जय महादेव। ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः, जय गणेश जय महादेव, जय गणेश जय 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 जय, जय गणेश जय महादेव, 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 जय गणेश जय।
आए। कार्यक्रमक समय में परिवर्तन भ गई है, चूंकि प्रथम दिवस गुरुदेव का आदेश जना हेत कल से हम सब सुनिश्चित समय से उपस्थित रह। अभी एगो गुरुदेवक आज्ञा के अनुसार गोसाउनी गीतक रूप में ये गीत यथासंभव महाराज जी के जन आदेश हेतन। जय जय भैरवी असुर भयाउनी पशुपति भामिनी माया सहज सुमति वरे दिया है गोसाउनी अनुगति गति तू पाया जय जय भैरवी असुर भयावनी जय जय भैरवी असुर भयावनी पशुपति भामिनी माया सहज सुमति वर दिय हे गोसाउनी सहज सुमति वर दिय हे गोसाउनी अनुगति गति तू पाया माया जय जय भैरवी असुर भयाउनी जय जय भैरवी असुर भयाउनी। तक तक धुम धुम दिगदा दिग दिगदई तक तक धुम धुम दिगदा दिग दिगदई तक तक धुम धुम दिगदा दिग दिगदई दिगदा दिग दिगदई दिगदा दिग दिगदई दिगदा दिग बासर रैनी सवासन सोभित बासर रैनी बासर रैनी सवासन सोभित चरण चंद्र मणि चूड़ा चरण चंद्र मणि चूड़ा कतौक दैत्य मारी मुह मेलनी कतौक दैत्य मारी मुह मेलनी कतौ उगी रखल कूड़ा कूड़ा
जय जय भई रवि असुर भयाउनी, जय जय भई रवि असुर भयाउनी। सांवर वरण नयन अनुरंजित, सांवर वरण नयन अनुरंजित, जलद जोग फूल को का, जलद जोग फूल को का, कट कट विकट ओट फुट पांडरी, कट कट विकट ओट फुट पांडरी, लिदुरी फेर उठ भोगा होगा, जय जय भई रवि असुर भयावनी, जय जय भई रवि असुर भयावनी। घन 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 घुंघरू कतवा जय, घन 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 घुंघरू कतवा बाजय, घन 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 घुंघरू कतवा जय, हन हन कर तू काता, हन हन कर तू काता, विद्यापति कवि तू पद सेव, विद्यापति कवि तू पद सेव, पुत्र बिसरु जोनी माता माता, जय जय भैरवि असुर भयावनी, जय जय भैरवि असुर भयावनी, जय जय भैरवि असुर। एखन हम सब कवि कुल चूड़ामणि परम श्रद्धेय श्री विद्यापति जी के लेखनी महाराज श्री के आगमनक समय भर लेने, उनका आदेशानुसार हनुमान जी स्वामी के याद करते हनुमान चालीसा के मध्य महाराज जी उपस्थित भ जता, हम सब हुनकर दर्शन करबै आ कथा में आनंद भाग ले। श्री गुरु चरण सरोज रजी, निज मन मुकुर सुधार, वरुणो रघुवर विमल जसु,
जो दायकु फल बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरं पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे हो मुहि हरहु कलेश विकार हनुमान सीताराम सीताराम गौरे सीताराम सीताराम गौरे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर सिहु लोको जागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ पद्म वर ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंत विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को वाद प्रभु चरित सुनिवे को रसी राम लखन सीता मन वसिया सूक्ष्म रूप धरि सिहि दिखावा विकट रूप धरि रंग जनावा भीम रूप धरि असुर संहारे राम चंद्र जी के काज सवार लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर सिउर नाए रघुपति गिन्ने बहुत बड़ाए तुम मम प्रिय भरत हि समवाए हमारी राम जी से हमारी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान सीता राम गाओ रे तनकादिक ब्रह्मादि मुनि सा नारद सारद सहित वहीं जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कभी को विद कहीं सकै कहा तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम विनाय राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वै सब जग जान जुग सहस्त्र जो जन परवान लील्योता ही मधुर मन जान प्रभु मुद्रिका मिल मुख माय जल दिलांगी गए अजरज नाम दुर्गम काज जगत के जे सुगम अनुग्रह तुमरे दे दे राम दुआरे तुम रतवारे हो तिराज्ञा बिनु पैसा सब सुखल है तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाकते कांपे हमारी राम जी से हमारी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान सीता राम गाओ रे सीता राम गाओ रे
आपन तेज सवारो आपे तीनों लोग हाँकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना ना से रोग हरे सब पीर जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जोड़ा सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल चारो युग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निगंदन राम दुलारे हमारी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान सीता राम गाओ रे गाओ सीता राम गाओ रे गाओ रे साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माँ राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दाता तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरा अंतिकाल रघुबर पुर जाय जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त न धरे अनुमत से सर्व सुख कर संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान जी गुसाय कृपा करो गुरुदेव गिनाय जो सत बार पाठ कर कोई छूटई मंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान जलीसा होई सिद्धि सागी गौरी तुलसीदास सदारी चेरा की जय नाथ हृदय महनेरा हमारी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान सीता राम गौरे गौरे सीता राम गौरे 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 पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रो राम लखन सीता सहित हृदय बसहु प्रेम से बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। ओम व्यास देवाय नमः ओम व्यास देवाय नमः दियंतां प्रणाम करी ओम सर्वोपचारार्थे गंधाक्षवाणि समर्पयामि
आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कही दिल नित सिय पी की आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कही दिल नित सिय पी की गावत ब्रह्मा दिग मुनि नारद गावत ब्रह्मा वाल्मीकि वे ज्ञान विशारद सुख सन कादि शेष अरुशारद बरनि पवन सुत कीर्तिनी की आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कली तेर नित गावत वेद पुराण अष्टदश छव शास्त्र सब ग्रंथन कोरस मुनि जन धन संतन को सर्वस्व सार अंश सम्मति सब ही के आरती श्री रामायण जी के कीर्ति कली तेर नित सिय पी की गावत संतति शंभु भवामी गावत संतति शंभु भवामी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वरज पखानी काग भुषुंडी गरुड़ के ही आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कली तेर नित सिय पी की कलिमल हरणि विषरस पी के सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती के दलन रोग भव मोरी अमी के तातु मातु सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कली तेर नित सिय पी की आरती श्री राम आरती श्री राम आरती श्री रामायण जी ओम जपिए शांति देवा नौ दिवसीय कथा का हम लोग रसपान करेंगे ग्रहण करेंगे तदुपरांत हम श्री महाराज जी से आग्रह करेंगे निवेदन करेंगे अपने मुखारविंद से श्री राम कथा का रसपान कराए हम लोग को और महाराज जी श्री महाराज जी अपने सम्मुख बहुत सेवा के काम किए हैं जैसे अनाथालय विद्यालय खुलवाए हैं और बहुत बहुत सेवारत महाराज जी हैं। आप लोग एक बार श्री महाराज जी के लिए जयकारा लगाएंगे। प्रेम से बोलिए व्यासदेव महाराज की जय। समझते हो श्रोतागण बैठ जाए कृपया। Thank you.
जय सियाराम। जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम। जय सियाराम, जय सियाराम। जय सियाराम, जय सियाराम। ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां। श्री मद्रामचरितमानसाय नमः। श्री संत वैष्णव सद्गुरु विप्रचरण कमलेभ्यो नमः। लोकाभिराम रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। सीतानाथ समारंभाम रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। वर्णानामर्थसंघाणां रसाणां छन्दसामपि नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वात्जातं नमामि। सियामाण्डवे उर्मिलाश्रुतिकीर्तिबर्वाम चारि कुवर चारि हु कुवरे तुलसी करत प्रणाम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नास ही विघ्न अनेक। श्री राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। आई हनुमंत विराजिए कथा करो मति अनुसार तुम सेवक रघुनाथ के पधारिये पवन कुमार। पधारिये पवन कुमार, पधारिये पवन कुमार। परम मंगलमय प्रात प्रखिलेश्वर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स
सच्चिदानंद घन स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण कारण वरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु श्री दशरथ कौशल्यानंदन श्री सीताराम भगवान श्री रामचरित मानस महापुराण राम कथा भागवत कथा के परम रसिक आचार्य श्री हनुमंतलाल जी महाराज कलि पावन अवतार श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद तपो मूर्ति संत शिरोमणि मिथिला संत कुलभूषण परमाराध्य परमादरणीय पूज्य संत श्री सद्गुरुदेव भगवान समस्त वैष्णव आचार्य चरण श्री राम कथा के पवित्र प्रांगण में समुपस्थित सभी सुधी श्रोताओं को इस व्यासपीठ से जय श्री राम। आइए दो बार भगवान नाम कीर्तन करें, तत्पश्चात प्रभु की जय से कृपा होगी। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जो महाराज की जय। जगत जननी जगदम्बा की जय। अयोध्या मिथिला धाम की जय। तुलसी महारानी की जय। अनंत कोटि आचार्य वैष्णवन चरणन की जय। नेपाल बस्ती की जय। इनरवा बस्ती की जय। भगवान की महती कृपा से आज हम आप सभी नव दिवसीय श्री राम कथा का शुभारंभ कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक परंपरा है, देखिए देश चाहे कोई भी हो, सब देश के लिए एक मर्यादा है, एक धर्म की व्याख्या है, उस धर्म का नाम है सनातन धर्म।
ये देश का बंटवारा जो है ये तो बाद में होगा, उससे पहले यदि विचार करें तो हम आप सभी मानव हैं और उस मानव के होने के नाते हम सभी का एक ही धर्म है। उस धर्म का नाम क्या है? सनातन धर्म। और धर्म की व्याख्या करने के लिए ही हमारे बीच सत्संग का आयोजन होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में बड़ी सुंदर बात कही, आप सबने सुना होगा, अति सर्वत्र वर्जये। अति जो है हर जगह वर्जित है। अति कभी ना करना बंदे इति तेरी हो जाएगी। अति कभी भी किसी कार्य में नहीं करना चाहिए। लेकिन तुलसी बाबा ने मानस जी में बड़ी सुंदर बात कही, अति हरि कृपा जाही पर होई, 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 पाँव दे अहे मार्ग सो अहे मार्ग सोई, पाँव दे हरि मार्ग सोई। तुलसी बाबा ने कहा, जब जीव के ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है तभी कोई जीव भगवान के सत्संग में कथा में आते हैं। तो निस्संदेह हम आप सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं। यहां जितने श्रोता उपस्थित हैं सब भगवान की कृपा पात्र हैं। हम भी आप भी सब। लेकिन हमारे यहां एक परंपरा है, एक नियम है, जब भी किसी कथा का आयोजन होता है, किसी पुराण की महिमा कही जाती है, तो उससे पहले उसकी महिमा की चर्चा की जाती है। हम राम कथा सुनने बैठे हैं, लेकिन क्यों? चैत्र महीने में राम जी आए, क्या इसलिए? भाई राम कथा तो और महीनों में भी होती है, लेकिन राम कथा का इस जीवन के साथ जितने भी मानव हैं, जितने भी प्राणी हैं, सबके जीवन के साथ इसका बड़ा अटूट संबंध है, घनिष्ठ संबंध है। और प्रायः देखा जाता है कि इस संसार में जब तक किसी को कोई लाभ ना हो तो किसी को किसी कार्य में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती। बिना लाभ का कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। हम आप जो कथा सुनने बैठे हैं यहाँ, कहीं ना कहीं हमारा भी आपका भी लाभ होगा। क्या लाभ होगा? यही कि भगवान की कृपा, भगवान की दया, भगवान की करुणा हम सबके ऊपर प्राप्त होगी। रामचरितमानस के कथा की बात जहां तक आती है, संसार में दो कथा की बड़ी प्रसिद्धि है, एक भागवत कथा, एक राम कथा। और जीवन के भी दो पहलू हैं, एक जीवन है, एक दूसरा मृत्यु है। जन्म लेना और मृत्यु, ये दोनों सत्य है। यदि कोई कल्याण चाहता है अपना तो दो काम करना चाहिए। कौन कौन से काम? एक मृत्यु को और एक भगवान को याद रखना है। दो बातन को याद रख जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान।
भक्तमाली जी कहते हैं कि दो बात को सदैव याद रखिए, नारायण एक मोत को दूजे श्री भगवान, एक मौत को याद रखना है, दूसरे भगवान को याद रखना है। क्योंकि ये जो दुनिया का मेला है ना, सब जाने के लिए ही आए हैं, सब धीरे 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 सब जा ही रहे हैं। जैसे जैसे दिन रात बीतते जाते हैं, ऐसे ऐसे हमारी मृत्यु जो है हमारे निकट आती जाती है। लेकिन इस मृत्यु के डर से हमें भयभीत नहीं होना है। जैसे एक कहावत है, यदि दुश्मन सामने हो तो उसका मुकाबला करना चाहिए, ना कि डर करके भाग जाना चाहिए। ठीक उसी प्रकार हम जीव के सामने मृत्यु निकट है, उस मृत्यु से डरना नहीं है, मृत्यु को अच्छे रूप से समझ लेना कि मृत्यु वास्तव में है क्या। हम समझते हैं कि हम मर जाएंगे, लेकिन वस्तुतः हम तो मरने वाले हैं ही नहीं। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि न्यन्याति संयाति नवानि देहि। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, वासांस जीर्णानि यथा विहाय, हम लोग वस्त्र धारण करते हैं, लेकिन जैसे वह वस्त्र पुराना हो जाता है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है, फट जाता है, तो क्या करते हैं? उसको उधर दीजिए, उधर मेरे तरफ। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। जैसे वस्त्र पुराने होने के बाद हम क्या करते हैं, वस्त्र पुराना वस्त्र छोड़ देते हैं और नवीन वस्त्र धारण कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार ये आत्मा भी इस मानव तन रूपी वस्त्र को, जब ये वस्त्र, जब ये शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तब ये आत्मा क्या करती है, इस जीर्ण शीर्ण शरीर रूपी वस्त्र को छोड़ करके कोई नवीन वस्त्र धारण कर लेती है। तो वस्तुतः हम ना जन्म लिए थे ना हम मरे, हम तो उस अविनाशी परमात्मा के अंश हैं जिसका कभी विनाश ही नहीं होता। और तुलसी बाबा ने इसी बात की पुष्टि की श्री रामचरितमानस में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम जीव जो है उसी परमात्मा के अंश है। एक बात मैं पूछना चाहूंगा, सभी लोग चाहे कोई ब्राह्मण हो अथवा इतर जाति के लोग, कोई भारत के रहने वाले हो, नेपाल के रहने वाले हो, या किसी और देश के रहने वाले लोग, हर एक व्यक्ति ऐसा कौन सा चीज चाहता है जो कॉमन है, सब चाहता है, चाहे वो कहीं के रहने वाले हो, हर एक व्यक्ति बस एक ही चीज चाहता है, सुख चाहता है, हर एक प्राणी सुख चाहता है, चाहे कहीं के भी हो, संसार के किसी कोने के किसी मोहल्ले के हो, हर एक प्राणी हर एक व्यक्ति केवल सुख चाहता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि
हम सभी ईश्वर के अंश हैं और अंश का लगाव अंशिक से होता है। इस बात को एक उदाहरण से समझिए। जैसे दिया कहीं भी जलाते हैं, दीपक कहीं भी जलाते हैं, तो उसकी लौ जो है, उसका प्रकाश जो है ऊपर की ओर जाता है। आप दीपक घर में जलाइए या बाहर में जलाइए, दिया का जो लौ है वो ऊपर की ओर जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो अंशी है वो ऊपर है, भगवान सूर्य नारायण। दीपक भी प्रकाश के द्योतक हैं और सूर्य नारायण भगवान भी प्रकाश के द्योतक हैं। तो अंश का अंशी से लगाव होता है, प्रेम होता है, और इसलिए दिया को कहीं भी रखिए तो दिया का जो लौ है वो ऊपर की ओर जाता है। एक दूसरा उदाहरण भी महात्मा देते हैं। पानी को कहीं भी रखिए तो पानी जहां गड्ढा होगा उसमें जाके रुक जाएगा। इसका कारण क्या है कि पानी वरुण देवता के अंश है। आज हम लोग जल यात्रा किए हैं, जल यात्रा में वरुण देव की पूजा किए हैं, और सबको पता है कि इस धरती के नीचे, इस पृथ्वी के नीचे पानी ही है। तो अंश का अंशी से लगाव होता है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर ये बात प्रमाणित हो जाती है कि हम ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशी। लेकिन फिर दुखी क्यों है? इसलिए क्योंकि इस संसार में आकर के हम सुख की कामना तो करते हैं, लेकिन जिस दुकान पर सुख मिलता है हम उस दुकान पर जाते नहीं हैं। किराना दुकान में जाइएगा तो किराना से संबंधित सामान ही मिलेंगे। आपको व्याकरण शास्त्र का पुस्तक नहीं मिलेगा, रामचरितमानस नहीं मिलेगी, क्योंकि वो किराना दुकान है। और किताब की दुकान पर जाइएगा तो नमक नहीं मिलेगा। सबका अलग अलग है। ठीक उसी प्रकार इस संसार में आए हैं, तो संसार में आकर के यदि सुख चाहते हैं तो यही हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता है। लेकिन सुख तो चाहिए, सुख के लिए ही कर्म करते हैं। सुखाय कर्माणि करोति लोके, सुख की प्राप्ति के लिए ही जीव कर्म करते हैं। लेकिन एक महात्मा ने कहा, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सब दुखी है। तन से दुखी किस प्रकार से है? भगवान ने संपत्ति की कमी नहीं दी है, धन खूब है, पैसा घर में खूब है, लेकिन डायबिटीज हो जाए तो भोजन पर प्रतिबंध लग जाता है। आप मलाई नहीं खा सकते, घी नहीं खा सकते, चावल नहीं खा सकते, आलू नहीं खा सकते। अब भाई मन तो चंचल है, घर में बनेगा, खाने का मन तो करेगा ही, लेकिन तन में बीमारी ऐसी हो गई कि डॉक्टर साहब ने मना कर दिया। तो कोई तन दुखी, कोई अपने शरीर से ही दुखी है, ज्यादा देर तक बैठ नहीं सकते। कोई मन दुखी, कोई अपने मन से दुखी है। कैसे? मन में तो अनेक प्रकार की कामनाएं हैं कि ऐसा करेंगे। रात रात को जब सोने लगते हैं, अनेक प्रकार के सपने देखते हैं कि कल प्रातः काल होगी तो ऐसा करेंगे, वहां जाएंगे, उन लोगों से मिलेंगे। लेकिन क्या इसका कोई प्रमाण पत्र है कि कल का सूरज हम देख पाएंगे? इसकी कोई गारंटी है किसी के पास? कोई गारंटी नहीं है। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कोई धन के कारण ही उदास है, दुखी। दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन शाम को जब लौटने लगते हैं तो वही 400-500 रुपया मजदूरी मिलती है।
तो कोई धन भी न रहा तो उदास। तुलसी बाबा से किसी ने पूछा कि इस संसार में सुखी कौन है, तो बोले थोड़े थोड़े सब दुखी, हर कोई दुखी है। सुखी राम के दास, केवल राम जी के दास जो है वो सुखी है। और इसमें कोई संदेह नहीं कि आप और हम राम के दास हैं। यदि राम जी के दास नहीं होते तो कथा सुनने आते ही नहीं। राम जी के दास ही तो कथा करते हैं या कथा सुनते हैं। लेकिन जिस रामचरितमानस की कथा हम आप आज से लेकर के 9 दिन तक सुनेंगे, इस कथा के अधिकारी कौन है? किसको किसको ये कथा सुननी चाहिए, इसका भी निराकरण, इसका भी समाधान शास्त्र में किया है। तुलसी बाबा मानस में लिखते हैं, राम कथा के तेई अधिकारी, 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 संगति अति प्यारी, जिनके सत संगति अति प्यारी, जिनके सत संगति अति प्यारी, जिनके सत संगति अति प्यारी, राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। राम कथा के सच्चे अधिकारी वह हैं जिनको सत्संग से बड़ा प्रेम है, और जिनको सत्संग से प्रेम नहीं है वो सच्चे अधिकारी नहीं हो सकते। अच्छा, हिंदी में आप हम बोल रहे हैं तो कोई परेशानी तो नहीं हो रही है ना? सब लोग हिंदी तो समझते ही होंगे, मैथिली भी समझते हैं। जब कल हम यहाँ आए तो हम लोगों को तो लग रहा था कि इनरवा नेपाल का बस्ती है, यहाँ लोग सब मैथिली जानते होंगे कि नहीं, भाई हम लोग आपस में बात करेंगे उनके पल्ले नहीं पड़ेंगे, और यदि वो बात करेंगे तो हमारे पल्ले नहीं पड़ेंगे, हमारे सर के ऊपर से खोपड़ी के ऊपर से गुजर जाएंगे, तो बात नहीं बनी। बात कब बनती है? जब हमारे मन की बात आप समझे और आपके मन की बात हम समझे, तब जाकर के बात बनती है। लेकिन जब आए तो पता चला कि यहाँ तो सभी लोग मैथिली समझते हैं, सब जानते हैं मैथिली। तो मुझे बड़ी खुशी मिली क्योंकि मैं मिथिला का और मिथिला ही मेरी पहचान है, मैथिली ही हमारी पहचान है। हमारे यहाँ मिथिला में एक बड़ी सुंदर बात है कि मिथिला में रह के जे नहीं बाजे ये मैथिली, मोन करे ये झुटकी से कान पकड़ के ऐठ भी। एकर मतलब तो बुझते हैं भाई, मिथिला में रह के जे नहीं बाजे ये मैथिली, मतलब मिथिला के होकर के यदि मैथिली बोलना नहीं जानते हैं तो मन करता है कि झुटकी से कान पकड़ के ऐठ दे उसको। तो हमारी मैथिली पहचान है और मैथिली जानकी जी का भी नाम है। एके हृदय बस मैथिली, जानकी जानकी हृदय मम वास है। तो जानकी जी का नाम जो है सो मैथिली है, तो इस बात की बड़ी खुशी मिली। लेकिन इस कथा के सच्चे अधिकारी कौन है? तो जिनको सत्संग से बड़ा प्रेम है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाको राम नाम धन होई। संत श्री कबीर दास जी कहते हैं कि इस संसार में वही धनवान व्यक्ति है जिसके पास राम नाम रूपी धन है। कबीरा सब जग निर्धना,
ये सारा संसार कबीर दास बाबा की दृष्टि में निर्धन है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। इस संसार में कोई भी धनवान नहीं है। एक बार किसी ने फिर से पूछा कि कबीर बाबा कृपा करके ये बताइए कि क्या सब गरीब है, इस संसार में कोई धनवान नहीं है? बोले है ना, कौन है? धनवंता सोई जानिए उसको धनवान समझना चाहिए, जाको राम नाम धन होई। जिसके पास राम नाम रूपी धन है, भगवान का नाम रूपी धन है, वही संसार में अमीर है, धनवान है। और जिसके पास भगवान के नाम रूपी धन नहीं है, वह गरीब है। जिसके पास जितना नाम है, जो जितना भगवान का नाम लेता है, वो उतना बड़ा धनवान है। और जो भगवान का नाम लेता ही नहीं है, वो निर्धन है, वो गरीब है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो ये कथा जो हो रही है, इस कथा के सच्चे अधिकारी कौन है? इस संसार में चार प्रकार के वर्ण हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चार प्रकार के वर्ण हैं और चार प्रकार के पुरुषार्थ भी हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। रामचरितमानस की जब रचना श्री तुलसीदास बाबा ने की, तो बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, ये 700 पान तैयार किए। बालकांड के मंगलाचरण में हमारे यहाँ का नियम है कि जब कोई शुभ कार्य करते हैं तो पहले मंगल गीत गाते हैं, मंगलाचरण करते हैं। तुलसीदास जी ने भी मंगल गीत गाया, मंगलाचरण किया। लेकिन बड़ा आश्चर्य लगा लोगों को, सभी यही सोचते थे कि तुलसीदास जी राम जी के भक्त हैं तो राम शब्द से ग्रंथ का शुभारंभ करेंगे। लेकिन जब मंगलाचरण की बात आई तो कहते हैं वर्णानाम, अर्थ संघानाम, रसानाम, छंदसामपि मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायको। मैं वाणी और विनायक, वाणी माने कौन? सिद्धिदाता श्री गणेश जी। और वंदे वाणी विनायको, वाणी माने सरस्वती और विनायक माने श्री गणेश जी, जिनमें विशिष्ट नायकत्व की शक्ति हो वो विनायक, विशिष्ट नायकत्व। और वाणी माने सरस्वती, एक है बुद्धि के देवता और एक वाणी के देवता। बुद्धि में और वाणी में अंतर है। यदि बुद्धि किसी के पास बहुत है लेकिन बोलने की कला नहीं है तो फिर वो बुद्धि जो है किसी काम की नहीं। और यदि किसी को बहुत सुंदर बोलने तो आता है पर अंदर बुद्धि नहीं है, वो बोलने की कला भी किसी काम की नहीं। इसीलिए तुलसीदास बाबा कहते हैं कि वंदे वाणी विनायको, मैं सरस्वती जी को और श्री गणेश जी को प्रणाम करता हूं। वर्णानाम, अर्थ संघानाम, रसानाम, छंदसामपि। रामचरितमानस में पहले उन्होंने वर्ण शब्द का प्रयोग किया। क्यों? तुलसीदास जी जानते थे कि जब कलयुग आएगा, घनघोर कलयुग आ जाएगा, लोग आपस में झगड़ने लगेंगे एक छोटी छोटी सी बातों के लिए। ब्राह्मण विचार कर रहे थे कि इस पर केवल मेरा अधिकार होगा क्योंकि हम सबसे श्रेष्ठ है। क्षत्रिय कहेंगे कि राम जी हमारे वंश में आए इसलिए इस रामचरितमानस पर मेरा अधिकार है। वैश्य लोग कहेंगे कि भाई भले रामचरितमानस पर तुम्हारा अधिकार हो लेकिन खर्चा तो हम ही उठाते हैं, धन तो हम ही
देते हैं, इसलिए इस पर मेरा अधिकार होगा। शूद्र जो होंगे वो कहेंगे कि राम जी अयोध्या के राजमहल को छोड़कर के हमारी कुटिया में आए, इसका मतलब है कि राम जी हमको ज्यादा मानते, इसलिए रामचरितमानस पर मेरा अधिकार होगा। तुलसीदास जी ने सब झगड़ा ही खत्म कर दिया कि मत झगड़िए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र आपस में किसी प्रकार का झगड़ा ना रखिए, वर्ण माने सभी वर्ण, और भगवान गीता में कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह, चारों वर्णों की रचना भगवान ने स्वयं की है। ब्राह्मणोश्च मुखमासीत् बाहू राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जद्वैश्यः पदव्याघ्रं शूद्रो अजायत। मुख से भगवान ने ब्राह्मण को बनाया, बाहु से क्षत्रिय को, जंघा से ऊरु से किसको बनाया, वैश्य को, और चरण कमल से शूद्र प्रकट हुए, तो चारों वर्ण को भगवान ने बनाया। और इसकी प्रतिज्ञा करते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह, और सभी वर्णों के लोगों के लिए गुण क्या है, कर्म क्या है, मर्यादा क्या है, नियम क्या है, सबका विभाग कर दिया। बोलिए जय सियाराम। तो चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह। दूसरे श्लोक भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम्। भवानी भगवती पार्वती को और भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो। भगवान शिव क्या है, विश्वास के स्वरूप है, और भगवती पार्वती क्या है, तो श्रद्धा की स्वरूपा है। जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक भगवान से प्रेम नहीं होगा, और जब तक भगवान से प्रेम नहीं होगा तब तक भगवान की करुणा जो है प्राप्त नहीं होगी, और जब तक भगवान की करुणा प्राप्त नहीं होगी तब तक हम जीव का कल्याण असंभव है। इसीलिए श्रद्धा होनी चाहिए, और केवल श्रद्धा से काम नहीं चलेगा। श्रद्धा विश्वास रूपिनौ, विश्वास भी होना चाहिए। लेकिन आजकल क्या होता है, दुर्गा पूजा का समय आया तो चले गए दुर्गा जी की शरण में, माता जी ये दे दो, माता जी वो दे दो। रामनवमी का समय आया तो राम जी ये दे दो, राम जी वो दे दो। कृष्णाष्टमी का समय आया तो कृष्ण जी की शरण में चले गए, रामनवमी का समय आया तो राम जी की शरण में आ गए। हम लोग दल बदलू है, देखते हैं जिसकी सरकार बनने वाली है, जहां हमारा फायदा होगा उसी पार्टी में जुड़ जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, संत कहते एक ही साधे सब साधे, सब साधे सब जा, एक को पकड़ के रहिए, चाहे राम में प्रेम हो, कृष्ण में हो, शिव में हो, दुर्गा में हो, हनुमान जी में हो, जिस देवता में प्रेम हो, लेकिन एक को मानिए। पति एक ही होता है, हजार नहीं होते। ये अलग बात है कि पति होने के बाद भी कोई सगाई कर लेते, दूसरा विवाह कर लेते, या फिर कोई पुरुष ही दूसरा विवाह कर ले, ये अलग बात है। लेकिन धर्म पत्नी एक ही होती है, और पति परमात्मा जो कहते हैं, पति परमेश्वर जो कहते हैं, वो एक ही होते हैं, दो नहीं होते। जब विनय पत्रिका लिखने लगे तुलसीदास जी, तो विनय पत्रिका का सबसे पहला पद क्या है, गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भ
भवानी के नंदन। तो गणेश जी को लगा के देखिए अंत में ही सही, लेकिन तुलसीदास जी मेरी शरण में तो आ गए। लेकिन आश्चर्य तो तब लगा गणेश जी को जब अंत में कहते हैं, मांगत तुलसीदास कर जोरे बसहु राम सिए मानस मोरे। हे गणेश जी, मैं आपकी पूजा तो कर रहा हूं, मैं आपकी प्रार्थना तो कर रहा हूं, मैं आपसे विनय तो कर रहा हूं, लेकिन क्या विनय कर रहा हूं? मांगत तुलसीदास कर जोरे बसहु राम सिए मानस मोरे। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपा करिए मेरे हृदय में श्री सीताराम जी बैठे। आपने भागवत की कथा भी सुनी होगी, गोपियां जितनी ब्रज गोपियां थी यमुना जी में स्नान करके मां कात्यायनी की पूजा करती थी, लेकिन प्रार्थना क्या करती थी? कात्यायनी महामाये महायोगिन अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। पूजा तो करती थी मां कात्यायनी की, लेकिन मांगती क्या थी? नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। नंद का जो छोरा है, नंद का जो लड़का है, उसका नाम क्या है? श्री कृष्ण। पूजा कर रही है किसी और की और मांग कुछ और रही है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेम एक से करिए, लेकिन निष्ठा सब में रखिए, सम्मान सबका करिए। हम राम जी को मानते हैं तो राम जी को ही माने, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि कृष्ण को गाली दे। कृष्ण को भी मानिए, शिव को भी मानिए, दुर्गा को भी मानिए, हनुमान जी को भी मानिए, सबको मानिए, लेकिन इष्टत्व जो है, निष्ठा जो है, प्रेम जो है, वो केवल एक में होना चाहिए। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। जिनकी कृपा के बगैर हृदय में रहने वाले भगवान का दर्शन नहीं होता, ऐसे कौन है? भगवान शिव और मैया पार्वती। शिव जो है विश्वास के प्रतीक हैं और मां भवानी श्रद्धा की स्वरूपा है। पुनः गुरुदेव की वंदना करते हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकरोपिनम यमास्त्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकरोपिनम यमास्त्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। गुरु की वंदना की, हम लोग भी अपने गुरुदेव का ध्यान करें। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं पाते हैं जरूर, प्रेम के
कष्ट पाते हैं जरूर प्रेम की मंजिल की राही कष्ट पाते हैं जरूर ध्यान से सुनिएगा प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर लेकिन बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा शरण आने के बाद जय हो देख कर काली निशा को ए भवर मत हो उदास देख कर काली निशा को रे भवर मत हो उदास बड़ा सुंदर उदाहरण है एक भौरा क्या करता है फूल का पराग चूसने के लिए फूल का रस चूसने के लिए फूल पर जाता है रस चूसने में कब रात हो जाती है उसे याद ही नहीं रहता फूल की पंखुड़ियां बंद हो जाती है कमल के पत्ते बंद हो जाते हैं अब रात भर वो रस पान करता रहता है और लेकिन इसी इंतजार में कि कल प्रातः काल होगा तो फिर से दिन देखेंगे ठीक उसी प्रकार हे मानव देख कर काली निशा को ए भवर मत हो उदास देख कर काली निशा को ए भवर मत हो उदास बंद कलियां फिर खिलेगी रात ढल जाने के बाद बंद कलियां फिर खिलेगी जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद पूछो खाई है कितनी बहार फूल से जाकर के पूछो छाई है कितनी बहार फूल से जाकर के पूछो छाई है कितनी बहार जिस गुलाब के फूल को हम लोग भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं सजाते हैं उस गुलाब के फूल से कभी पूछिएगा कि डाल पर आने के बाद क्या हुआ
रात भर कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद, रात भर कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। श्री राधे कर निष्काम निर्मल नाम ले भगवान का, ध्यान कर निष्काम निर्मल नाम ले भगवान का, ध्यान कर निष्काम निर्मल नाम ले सिया राम का, ध्यान कर निष्काम निर्मल नाम ले सिया राम का। सूखी बगिया फिर खिलेगी ऋतु बदल जाने के बाद, सूखी बगिया फिर खिलेगी ऋतु बदल जाने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, मिल जाएंगे चरणों में झुक जाने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। गुरु एक ऐसे तत्व हैं जिनकी शरण में आने के बाद फिर हमें चिंता नहीं रह जाती, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। इसीलिए गुरुदेव के शरण में आने के बाद कुछ बिगड़ता नहीं, बनता ही बनता है। एक कहावत भी है, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। यदि गुरुदेव की कृपा हो तो फिर कुछ असंभव नहीं रह जाता। तो वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमास्त्र तो ही वक्रोपी चंद्रह सर्वत्र वंदिते सीता राम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। कपीश्वर भगवान श्री हनुमान जी को और कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी को मैं प्रणाम करता हूं, जिनकी कृपा से, जिस शक्ति की कृपा से सर्व चैतन्य रूपाम तामाद्याम विद्याम बुद्धिम यान प्रचोदयात। श्रीमद् देवी भागवत जी में पहले श्लोक में सर्व चैतन्य स्वरूपा भगवती श्री दुर्गा की प्रार्थना की गई है, सर्व चैतन्य रूपाम विद्याम ताम आद्याम आद्याम ताम किसको, जो सर्व चैतन्य रूपाम विद्याम जो सर्व चैतन्य स्वरूपा विद्या भगवती श्री दुर्गा है, बुद्धिम यान प्रचोदयात वो मुझे बुद्धि प्रदान करे। ऐसे ही भगवती को श्री रामचरितमानस में सीता के रूप में ग्रहण किया गया है।
और वो सीता जी कैसी हैं, तो उद्भवस्थित संहार कारणिम क्लेशहारिणिम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतो हम राम बल्लभा। राम जी की बल्लभा है, राम जी की प्रियतमा है, ऐसी जो भगवती सीता है, हम भगवती सीता को प्रणाम करते हैं। अंत में श्री तुलसी बाबा कहते हैं कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुलमा तनोति। मैं जो रामचरितमानस की रचना करने जा रहा हूं, इसमें नाना पुराण निगम आगम, निगम माने कौन, नितराम गमयति निगमः, निरंतर जो गमन करता रहता है वो निगम है, निगम माने वेद, और वेद प्रणतो धर्मा ह धर्मस्तद विपर्ययः, वेद में जिस कार्य को करने के लिए कहा गया है वही धर्म है, और जिस कार्य को करने के लिए मना किया गया है वही अधर्म है। वेद प्रणहितो धर्मा ह धर्मस्तद विपर्ययः, ऐसे निगम कल्पतरूर गलितम फलम सुपमुखाद दर्पमृत संयुतम पिवत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रुसिका भुवि भावुकाः। जब भागवत की कथा की बात श्री वेदव्यास भगवान कहे, वहां भी उन्होंने यही कही कि जो रसिक जन है, जो भावुक जन है, उसको ही कथा का अधिकार है। उसी प्रकार राम जी की कथा में भी राम कथा के तेई अधिकारी जिनके सत्संगत अति प्यारी, ऐसे राम जी के चरित्र का जो उद्बोधन कर रहे हैं श्री तुलसी बाबा, कहते नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि, मैं अनेक पुराण के सम्मत बातों को लिखने जा रहा, क्यों लिख रहा हूं, तो स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तुलसीदास जी भी अपने अंतःकरण के शांति के लिए, सुख के लिए ही राम जी की कथा गा रहे, क्योंकि राम जी की कथा है ही बड़ी अद्भुत। एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति स्टेशन पर बैठा हुआ था, देखा कि जिस गाड़ी से उसको जाना है वो गाड़ी आने में थोड़ा लेट है, तो सोचा कि समय ऐसे व्यतीत नहीं होना चाहिए, कुछ कार्य कर लूं, तो अपनी बैग से एक पोथी निकाले श्री रामचरितमानस, और रामचरितमानस को निकाल करके पढ़ने लगे। तो आजकल के जो नौजवान भाई होते हैं उनकी एक बड़ी सुंदर आदत होती है, जहां देखे किसी वैष्णव को साधु को तो कुछ कुछ पूछने लगते हैं, खास करके ट्रेन में यात्रा में, कि आप किसको धर्म मानते हैं, या फिर आपके मत में राम श्रेष्ठ है अथवा कृष्ण है, भाई जो श्रेष्ठ है उसको रहने दो, श्रेष्ठ तुम्हें उससे क्या लेना देना, तुम्हें जिसमें प्रीति है जिसमें प्रेम है तुम उससे प्रेम करो। वो महात्मा जी बैठे थे रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे, एक नव दंपत्ति जिनका कुछ ही दिन पहले विवाह हुआ था, पत्नी के साथ कहीं जा रहे थे हनीमून मनाने, टूर पर जा रहे थे, देखा कि एक बाबा जी बैठे हुए हैं रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं। मंगल भवन का मंगल हारी द्रभु सुदशरथ अजर बिहारी सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन वरे अनुग्रह तोरे। वो सज्जन व्यक्ति गया और उस वृद्ध महात्मा से पूछे, बाबा जी एक बात बताओ, रामचरितमानस पढ़ रहे हो? बोले हाँ पढ़ तो रहा हूं। तो इस रामचरितमानस में ऐसा क्या है जिसको आज तक तुम पढ़ते आ रहे हो, कब के ये राम जी चले गए, फिर आज इस रामचरितमानस में क्या रखा है? बाबा जी समझ गए कि ये फालतू का प्रश्न करेगा, इसको कोई लेना देना है नहीं, चुप हो गए, पाठ करते रहे, उसके बातों पर ध्यान नहीं दिया। 10-15 मिनट के बाद फिर पूछ दिए कि बाबा जी ये बताओ कि इस रामचरितमानस में क्या है, क्यों पाठ कर रहे हो, क्या मिलता है? भाई रामचरितमानस को यदि पुस्तक की दृष्टि से देखिएगा तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जब अंतरात्मा की दृष्टि से देखिएगा तो बहुत कुछ मिलता है।
लैला मजनू का नाम तो सबने सुना ही होगा। लैला मजनू की प्रेम की कहानी कौन नहीं जानता। मजनू के पिता ने एक बार मजनू से कहा, ये बताओ तुम बड़े खानदान के हो, बड़े बाप के बेटे हो, लैला तो तुम्हारे जैसे सुंदर भी नहीं है, फिर लैला में ऐसा क्या है जो तुम उससे प्रेम करते हो, उसके लिए मरते रहते हो। तो मजनू ने कितना सुंदर जवाब दिया कि पिताजी आपने सही कहा कि लैला मेरी जैसी सुंदर नहीं है, लेकिन मुझे बहुत सुंदर लगती है। बोले क्यों? आपके नजर में लैला सुंदर नहीं है क्योंकि वो आपकी नजर देखती है। जब आप मजनू की दृष्टि से देखिएगा लैला को, तब पता चलेगा कि लैला कितनी सुंदर है। ठीक उसी प्रकार जो किसी भी पुराण को, किसी भी शास्त्र को, किसी भी ग्रंथ को केवल किताब मानता है, पोथी मानता है, तो उसके लिए कोई महत्व नहीं है उस ग्रंथ का। लेकिन जब अंतरात्मा की दृष्टि से हम रामचरितमानस को देखते हैं, भागवत जी को देखते हैं, तो रामचरितमानस में ही राम जी का दर्शन हो जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में ही कृष्ण का दर्शन हो जाता है। सी राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। देखने देखने की अपनी अपनी कला है। हम लोग मंदिर में जाते हैं, वहां भी झगड़ लेते हैं लोगों से। जाते तो मंदिर में है, मंदिर में है, भगवान का दर्शन करने गए, लेकिन यदि थोड़ा सा धक्का लग गया तो लड़ लेते हैं। हमको तो वहां भी डर नहीं लगता हम भगवान से, लेकिन तुलसीदास जी को सी राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में सीताराम जी दिखाई देते थे, हमको मंदिर में भी भगवान दिखाई नहीं देते, और तुलसीदास जी को संसार में सब में भगवान दिखाई देते। ये तो अपनी अपनी दृष्टि है, अपनी अपनी सोच है। तो उस वृद्ध महात्मा से जब उस सज्जन ने पूछा कि ये बताओ आप रामचरितमानस को इतने दिनों से क्यों पढ़ते हो, क्या है इसमें, आखिर ऐसी कौन सी बात है। महात्मा जी के कान में ट्रेन के आने की आवाज सुनाई दी। महात्मा जी ने पोथी को समेटा, अपने बैग में रख लिया और वो अपनी सीट पर जाकर के ट्रेन में बैठे। वो सज्जन व्यक्ति भी महात्मा के पीछे पीछे हो गए, बाबा जी बता तो दो, जा रहे हो बता तो दो। और संयोग से उसी ट्रेन से उसको जाना था कहीं। वो बेचारा भी बाबा जी के पीछे पीछे चले गए ट्रेन में, लेकिन उसके साथ जो उनकी पत्नी थी वो पीछे ही छूट गई, क्योंकि वो तो बाबा जी के पीछे पर गया था, तो पत्नी पीछे छूट गई, स्टेशन पर ही रह गई। ट्रेन खुली, एक मिनट का स्टॉपेज था। ट्रेन जब खुलती है, कुछ आगे बढ़ती है, तब उसको याद आया कि हे भगवान मेरी पत्नी तो स्टेशन में ही छूट गई। अब छाते पीट पीट करके चिल्लाने लगा, कोई ट्रेन को रोको तो। महात्मा जी ने देखा कि अच्छा समय है। वो सज्जन व्यक्ति गया जंजीर खींचने, लोगों ने मना किया कि तुम्हें पता है जंजीर खींचोगे अनावश्यक तो तुम्हें दंड मिलेगा, तुम कानून की नजर में दोषी पाए जाओगे। उसने कहा कि अरे भाई ये लेक्चर बाद में देना, हमारी पत्नी स्टेशन में छूट गई, पहले उसको तो पकड़ूं, उसको तो ले लूं साथ में। महात्मा जी ने देखा कि लोहा गर्म है, और गर्म लोहा पर ही हथौड़ा मारा जाता है, तब जाके कोई औजार बनता है। महात्मा जी ने कहा कि बेटा तुम पूछ रहे थे ना इतने देर से कि रामचरितमानस में क्या लिखा है, रामचरितमानस को सब क्यों पढ़ते हैं, तो मैं बताता हूं। यदि आज तुमने रामचरितमानस का पाठ किया होता तो जो गलती आज तुमने की है वो गलती तुमसे नहीं होती। क्यों? क्योंकि रामचरितमानस सिखाती है, जब राम जी अयोध्या छोड़ करके जंगल गए तो उनके साथ भी सीता जी थी, गंगा के तट पर आए और केवट से कहा कि नाव ले आओ। जब राम जी के पाद प्रक्षालन कर लिए केवट ने और नाव पर राम जी बैठने लगे तो पहले स्वयं नहीं बैठे, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। प्रिया माने कौन? जानकी मैया।
सीता जी को राम जी ने पहले बिठाया फिर स्वयं बैठे, तो महात्मा ने कहा कि बेटा यदि तुम आज रामचरितमानस को एक बार भी जीवन में पढ़े होते तो जो गलती तुमने आज की है, पत्नी को छोड़ दिया स्टेशन में, खुद पीछे पड़ गए मेरे और स्टेशन गाड़ी में आकर के बैठ गए, ये गलती तुमसे नहीं होती। तो राम जी की कथा जो है हमें शिक्षा देती है कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। राम जी की कथा में यह दिव्य गुण है, हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। सात श्लोक में ही मंगलाचरण को गाया श्री तुलसी बाबा ने, इसका क्या कारण है कि रामचरितमानस ही एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जिनके चौपाइयों को सातों स्वर में कहीं से गाया जा सकता है। सा से गाइए, रे से गाइए, घ से गाइए, कहीं से भी गा सकते हैं। सारे गम पौधनी कहीं से भी गा सकते हैं, जिस स्वर में गाना हो गा लीजिए। या फिर इसका एक कारण और भी हो सकता है कि राम जी की राशि जो है सो तुला राशि है, बारह राशि है, मेघ मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। तो राम जी की राशि जो है सो सातवीं राशि है, इस कारण भी सात श्लोक में तुलसी बाबा ने मंगलाचरण किया। और एक तीसरा कारण महात्मा बताते हैं कि रामचरितमानस का साम्राज्य जो है सातों सागर पे हो, इस दृष्टि से तुलसी बाबा ने सात श्लोक में मंगलाचरण किया। भाई जिस कारण से भी किए हो तुलसीदास जी जाने, हमको उससे क्या लेना देना। लेकिन तुलसीदास जी सबसे पहले गुरुदेव की वंदना किए हैं। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक, गणनायक है कौन, गणानांत्वा गणपति गुं हवामहे, प्रियानांत्वा प्रियपति गुं हवामहे, गणनायक कौन है तो गणेश जी है। करिवर बदन, करिवर माने हाथी। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन, हाथी के जैसा जिनका मुंह हो ऐसे गणेश जी को हम प्रणाम करते हैं, जिनके सुमिरन करने मात्र से सब प्रकार की सिद्धियां आ जाती है। अंत में गुरु की वंदना किए, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करण कर। ये पंडाल जो है ये मंदाकिनी गंगा का तट है। राम कथा मंदाकिनी, राम जी की कथा क्या है, मंदाकिनी गंगा का तट है। और यदि हम लोग गंगा स्नान करने जाते हैं तो गंगा स्नान करने का एक नियम है। क्या नियम है, घर से तो पूरा सूट बूट लगा करके जाते हैं, गाड़ी में बैठ करके जाते हैं गंगा स्नान करने, लेकिन जैसे गंगा जी के तट पर पहुंचते हैं तो गाड़ी से उतर जाते हैं, सूट बूट खोल लेते हैं और तब जा करके गंगा जी में डुबकी लगाते हैं। इसका अर्थ यह है कि आप जब घर से आइए, जैसे भी आइए सब ठीक है, लेकिन जब राम कथा के पंडाल में प्रवेश करिए तो दो प्रकार के बूट को बाहर ही रख देना चाहिए। जैसे जब हम कथा पंडाल में आते हैं तो चप्पल जूता बाहर ही खोल देते हैं ना, उसी प्रकार जब राम कथा सुनने आए गंगा जी में जाते हैं तो चप्पल जूता सूट बूट सब खोल के रख देते हैं, तभी जाके डुबकी लगा सकते हैं, ऐसे नहीं लगा सकते। तो राम कथा भी सुनने आए हैं तो दो प्रकार का जो बूट है उसको बाहर ही खोल देना चाहिए, ये शास्त्र की मर्यादा है।
जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहु मानस अगम अति जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। जिनको श्री सीताराम जी में प्रेम नहीं है उसको ये राम कथा अच्छी नहीं लगती है। राम जी की कथा उसी को अच्छी लगती है जिनको श्री सीताराम जी में प्रेम है। तिन कहु मानस अगम अति जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। लेकिन हमारी सबसे बड़ी दुर्बलता क्या है, हम भोजन तो दिन में तीन बार चार बार करते हैं लेकिन भजन एक बार करने बैठते हैं तो निद्रा महारानी आ जाती है, नींद सताने लगती है। और शास्त्र का नियम है जो भगवान की कथा में आकर के सोता है उसको अजगर बनना पड़ता है। जो भगवान की कथा में आकर के सो जाए उनको अजगर बनना पड़ता है और बगल वाला को करकरेत बनना पड़ता है। भैया हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी लेके डूबेंगे। जो सोने वाले हैं उनका तो कल्याण होगा ही होगा, बगल वाले का भी कल्याण हो जाएगा। ये राम जी की कथा की करुणा है। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहु मानस अगम अति जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। हम लोग 24 घंटा में कम से कम कितना बार खाते हैं, तीन चार बार तो खाते ही हैं। लेकिन भजन कितना टाइम करते हैं, एक टाइम करते हैं। एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही, तीन बार भोजन भजन एक बार, तीन बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। तीन बार भोजन भजन एक बार, आते हैं झंझट हजार। तीन बार भोजन भजन एक बार, तीन बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। तीन बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। हरि बोल। श्री राधे 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 राधे, मन मेरा कहता है गंगा नहाऊं, गंगा नहाऊं थोड़ा यमुना नहाऊं। मन मेरा कहता है गंगा नहाऊं, गंगा नहाऊं थोड़ा यमुना नहाऊं। भैया मन तो करता है कि चलो कथा हो रही है तो हम भी थोड़ा सुनावे, लेकिन मन मेरा कहता है गंगा नहाऊं, गंगा नहाऊं थोड़ा यमुना नहाऊं। मन मेरा कहता है गंगा नहाऊं, गंगा नहाऊं थोड़ा यमुना नहाऊं। जाते जाते रास्ते में लग गया बुखार, 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 उसमें भी आते हैं झंझट हजार।
भी आते हैं झंझट हजार। दर्शन कर आओ मन मेरा कहता है मंदिर हो आओ, मंदिर हो आओ तोरा दर्शन कर आओ। मन मेरा कहता है मंदिर हो आओ, मंदिर हो आओ थोड़ा दर्शन कर आओ। मन मेरा कहता है मंदिर हो आओ, मंदिर हो आओ थोड़ा दर्शन कर आओ। भैया जब पता चलता है कि वहां कथा हो रही है, सत्संग हो रहा है, तो मन करता है कि हम भी चले। जाते जाते मंदिर में लग गया केवार, जाते जाते मंदिर में लग गया केवार, जाते जाते मंदिर में लग गया केवार, जाते जाते मंदिर में लग गया केवार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार, भजन एक बार उसमें भी आते हैं झंझट हजार। तीन बार भोजन भजन एक बार उसमें भी आते हैं झंझट हजार। जप आओ थोड़ा ध्यान कर आओ, मन मेरा कहता है माला जब आओ, माला जब आओ थोड़ा ध्यान कर आओ। मन मेरा कहता है माला जप आओ, माला जप आओ थोड़ा ध्यान कर आओ। मन मेरा कहता है माला जप आओ, माला जब आओ थोड़ा ध्यान कर आओ। माला जपते जपते आ गया है रिश्तेदार, माला जपते जपते आ गया है रिश्तेदार, माला जपते जपते आ गया है रिश्तेदार, माला जपते जपते आ गया है रिश्तेदार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार, तीन बार भोजन भजन एक बार उसमें भी आते हैं। Thank you.
अंतिम पंक्ति है, इसको ध्यान से सुनिएगा। मन मेरा कहता है दान कर आऊं थोड़ा पुण्य कमाऊं। मन मेरा कहता है दान कर आऊं थोड़ा पुण्य कमाऊं। मन मेरा कहता है दान कर आऊं थोड़ा पुण्य कमाऊं। मन मेरा कहता है दान कर आऊं थोड़ा पुण्य कमाऊं। ये मन कहता है कि भाई कथा हो रही है, सत्संग होता है, तो उसमें हम भी थोड़ा दान पुण्य कमा ले। लेकिन महंगा बाजार और बड़ा परिवार, 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 उसमें भी आते हैं झंझट हजार, तीन बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, तीन बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, तीन बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, तीन बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, तीन बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, तीन बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, तीन बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। सभी लोग ताली बजा के प्रेम से गाएं, तीन बार, तीन बार, तीन बार भोजन भजन एक 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 बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, तीन बार भोजन भजन एक बार, भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, तीन बार भोजन भजन एक बार, भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। तो तीन बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। माला लेकर के बैठी है, माला जपने के लिए तो नींद आने लगती है, लेकिन क्या कभी किसी को पैसा गिनते गिनते सोते हुए देखे? नहीं। लेकिन दोनों में अंतर है, जो चीज हमारा अपना नहीं है उसके लिए हम सतर्क रहते हैं, लेकिन जो चीज हमारा अपना है उसके लिए हम थोड़े आलसी हो जाते हैं। माला जपते हैं तो ऐसे जपते हैं, सीताराम एक, सीताराम दो, सीताराम तीन, सीताराम चार, ऐसे जपते हैं। मतलब ये हमारा अपना धन है, निजी धन है, और पैसा गिनते हैं तो ऐसे गिनते हैं, भाई ये पैसा किसी का नहीं है, आज मेरे जेब में है, कल किसी और के पास रहेगा। और दुनिया के लिए सबसे बड़ी बात क्या है, सभी पूछेंगे आप कैसे हैं जब तक जेब में पैसे है। तो जो चीज हमारा अपना नहीं है वो हर और किसी का है, उसके लिए तो पूरे सतर्क रहते हैं कि कहीं हिसाब गड़बड़ ना हो जाए, 500 का नोट गिनते गिनते कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए। लेकिन जो चीज हमारा अपना है, जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है, हम उसके लिए थोड़े आलसी हो जाते हैं और नींद आने लगती है। तो माला जपते जपते आ गया है रिश्तेदार, जैसे माला लेकर के बैठिएगा, बेटा कहेगा कि मामा जी आए, अब माला जपिएगा कि मामा जी को चाय नाश्ता दीजिएगा,
तो माला को कहते ठीक है यही छोड़ देता हूँ और थोड़ा मामा जी का स्वागत कर लेता हूँ। ये लोगों के सबसे झंझट है, सबसे बड़े झंझट यही है कि खाते तो तीन बार है लेकिन भजन एक बार करते हैं। तीन बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी अनेक प्रकार के झंझट। क्या क्या झंझट है वो तो आपने सुना ही। सबसे पहले श्री तुलसीदास बाबा ने गुरु जी की वंदना की है, साधु की वंदना की है, संत की वंदना की, असंत की भी वंदना की। और रामचरितमानस हमें यह शिक्षा देती है कि सबको हाथ जोड़ करके राम राम बोलो, सबको, चाहे वो संत हो चाहे असंत हो, कोई भी हो सबको बोलो राम राम भैया, सबको राम राम बोलिए, सबको प्रणाम करिए। सबको प्रणाम करते 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 तुलसी बाबा जब आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं, जो अपने अवगुण सब कहूं बाढ़ी कथा पार नहीं लहूं, ताते मैं अति अल्प बखाने थोरे मोह जानही सयान। तुलसीदास जी कहते कि मैं अपना अवगुण कितना कहूं, मैं अपना अवगुण की कथा कहने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो राम जी की कथा कहने आया हूं। जो अपने अवगुण सब कहूं, तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि मैं अपना अवगुण गिनाने लगूं तो पूरा जीवन कम हो जाएगा, पूरी जीवन बीत जाएगी, फिर भी मेरा अवगुण खत्म नहीं होगा। मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु जी कैसे तारोगे, 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 हाँ कैसे तारोगे प्रभु जी कैसे तारोगे, कैसे तारोगे प्रभु जी कैसे तारोगे, हाँ कैसे तारोगे राम जी कैसे तारोगे, कैसे तारोगे राम जी कैसे तारोगे, मेरा अवगुण भरा शरीर राम जी कैसे तारोगे, मेरा अवगुण भरा शरीर राम जी कैसे तारोगे, मेरा अवगुण भरा राम जी कैसे तारोगे, अवगुण भरा शरीर राम जी कैसे तारोगे, मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु जी कैसे तारोगे। लेकिन याद रखिएगा ये गुण अवगुण की जो चर्चा होती है ना तब तक है जब तक हम भगवान की शरण में नहीं आए। जब ठाकुर जी की शरण में आ जाते हैं तो सब भगवान भूल जाते हैं, कोटि विप्र बदला कहीं जासो आयहु शरण तजहु नहीं तासो, करोड़ों ब्राह्मण हत्या का पाप जिसको लगा हो यदि वो भी भगवान की शरण में आकर के द्रौपदी के जैसे एक बार हाथ उठा करके ऐसे कह दे कि हे प्रभु जैसा भी हूं आपका हूं, तो भगवान कहते हैं ठीक है और उसे हृदय से लगा लेते हैं। ये हमारे राम का स्वभाव है, भगवान अवगुणों को देखते ही नहीं, गुण और अवगुण को तो संसार के लोग देखते हैं, हमारे भगवान तो हमारे हृदय को देखते हैं।
कि हमारा हृदय कैसा है, हमारा मन कैसा है, हमारी आत्मा कैसी है, हमारा अंदर कितना साफ है। ऊपर से आप चाहे साबुन सेंट लगा लीजिए, उबटन लगा लीजिए, लेकिन यदि अंदर से साफ नहीं होगा मन, तो राम जी हृदय में आने वाले नहीं है। राम जी तो अंदर बैठे हैं। हमारे प्रभु यह देखते हैं कि इसका अंदर कितना ज्यादा साफ है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान स्वयं कहते हैं कि जिसका मन निर्मल होगा वही मुझे प्राप्त कर सकेगा, और जिसका मन निर्मल नहीं होगा वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तुलसीदास जी ने कहा कि मैं अपना अवगुण गिनाने के लिए नहीं बैठा, भगवान के नाम की वंदना की। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्नन भिन्न, बंदो सीताराम पद जिन ही परम प्रिय खिन्न। जैसे वाणी में और वाणी के अर्थ में कोई अंतर नहीं है, शब्द में और शब्दार्थ में अंतर नहीं है, उसी प्रकार राम जी में और सीता जी में भी अंतर नहीं है। हम लोग जब राम जी का नाम लेते हैं, महामंत्र जपते हैं, जय सीता राम सीता राम सीता राम, जय सीता राम, जय सीता राम सीता राम सीता राम, जय सीता राम, ऐसा जपते हैं। जबकि व्याकरण शास्त्र के अनुसार सीता रामो होना चाहिए, सीताश्च रामश्च सीता रामो। लेकिन सीता रामो नहीं कहते, सीता राम ही कहते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है, सीता एव रामः, रामः एव सीता। सीता जी ही राम जी हैं और राम जी ही सीता जी हैं। जब दो तत्व अलग अलग हों, तब जाकर के वहां सीता रामो होता। सीताश्च रामश्च सीता रामो, रामश्च कृष्णश्च राम कृष्णौ, रामश्च लक्ष्मणश्च राम लक्ष्मणौ। लेकिन सीता राम जब कहते हैं तो सीता राम ही कहते हैं, सीता रामो नहीं कहते, क्योंकि सीता एव रामः, रामः एव सीता। सीता जी ही राम जी हैं और राम जी ही सीता जी। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्नन भिन्न, बंदो सीता राम पद जी नहीं परम प्रिय खिन्न। सबकी वंदना की है, दशरथ जी के, जनक जी के, सबकी वंदना की है। और बाद में कहते हैं ये जो राम कथा रूपी मंदाकिनी गंगा है, नदी में कितने घाट होते हैं? किसी तालाब में कम से कम चार घाट होते हैं। राम जी जब अयोध्या के राजा बने थे तो सरजुग जी में भी चार घाट थे। बाद में राम जी ने एक घाट को हटा दिया, दूसरे घाट में ही मिला दिया, मतलब तीन घाट केवल शेष रहे। ऐसे भगवान को पाने के लिए भी चार घाट हैं, और इन चारों घाट पर राम जी की कथा चल रही है। ज्ञान के घाट पर श्री शंकर भगवान मैया पार्वती को कथा सुना रहे, कर्म के घाट पर श्री याज्ञवल्क जी महाराज श्री भरद्वाज ऋषि को कथा सुना रहे हैं, भक्ति के घाट पर श्री कागभुसुंडी जी श्री गरुड़ देव को कथा सुना रहे, और शरणागति के घाट पर श्री तुलसी बाबा अपने मन को कथा सुना रहे। नहीं कलि करमण भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको।
याज्ञवल्क जी ने भरद्वाज ऋषि को कथा सुनाया, शिव जी ने पार्वती को सुनाया, काकभुसुंडी जी ने गरुड़ देव को कथा सुनाया। लेकिन कहते हैं कि इन तीनों घाट से जाने के लिए थोड़ी कठिनता है, विवस्ता है, थोड़ा मेहनत है। ये तीनों बड़ा कठिन मार्ग है। ज्ञान के मार्ग से भगवान को पाना कठिन है और कर्म के घाट पर भी बैठ करके भगवान को पाना कठिन है, भक्ति के घाट पर भी बैठकर भगवान को पाना कठिन है, लेकिन शरणागति की घाट जो है सर्वश्रेष्ठ घाट है। क्यों? कि और तीन घाट जो है, कर्म का घाट, ज्ञान का घाट और भक्ति का घाट, इन तीनों घाट में सीढ़ियां बनी हुई है। और आपने देखा होगा सीढ़ी पर चढ़ने के लिए पैर में ताकत तो चाहिए, बल तो चाहिए। जो पंगु है, जो लंगड़ा है, वो सीढ़ी पर कैसे चढ़ेगा? सीढ़ी पर चढ़ने के लिए पैर में ताकत चाहिए, पैर में शक्ति होनी चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए हम। लेकिन तुलसीदास बाबा कहते हैं कि इस कलयुग में कर्म के बदौलत, कर्म कर करके हम भगवान को नहीं पा सकते, क्योंकि सबका कर्म जो है सो उल्टा पुल्टा हो गया। ब्राह्मण अपना कर्म छोड़ दिए, क्षत्रिय अपना कर्म, वैश्य अपना कर्म और शूद्र अपना कर्म, सब अपने कर्म से विमुख हो गए। ऐसी हालत में फिर उद्धार कैसे होगा? तो कर्म के घाट पर बैठकर भगवान को पा नहीं सकते, ज्ञान का घाट बड़ा कठिन घाट है और भक्ति भगवान की कृपा से ही मिलती है। ये तीन घाट जो है भगवान को पाने के लिए थोड़ा कठिन है। एक घाट केवल ऐसा है जिस घाट पर बैठ करके हम भगवान को पा सकते हैं, वो कौन सा घाट है? शरणागति का घाट। जैसे आपने देखा होगा एक तालाब में चार घाट होते हैं, एक घाट पर माताएं स्नान करती है, एक घाट पर पुरुष वर्ग के लोग स्नान करते हैं, और एक घाट पर जो बड़े लोग होते हैं, जो राजा लोग होते हैं नगर के, राज्य के, वो स्नान करते हैं, जिसको वीआईपी घाट कह सकते हैं। लेकिन एक घाट और होता है, कौन सा घाट? जिस घाट पर पशु पानी पीने जाते हैं, स्नान करने जाते हैं। तो तीन घाट जो है, इस तीन घाट पर तो सीढ़ियां बनी हुई है, जहां पुरुष स्नान करते हैं वहां भी, जहां माताएं स्नान करती है उस घाट पर भी, और जहां बड़े बड़े लोग स्नान करते हैं उस घाट पर भी सीढ़ियां बनी है, पर जहां पशु स्नान करते हैं वहां कोई सीढ़ियां नहीं होती, वो तो समतल जगह होता है। ऐसे आराम से और धीरे 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 सीधे चले जाओ, पानी जी भर के पानी पी लो, जी भर के स्नान कर लो। तुलसी बाबा ने कहा कि बस हम लोगों को यही समझना तो है, क्योंकि कर्म के घाट पर बैठ करके भगवान को पाने के लिए जाएंगे तो बड़ा संशय उत्पन्न हो जाएगा कि कर्म क्या है। गहना कर्मणो गति ही, कर्म की गति बड़ी महान है। तो उस घाट को छोड़ दो, ज्ञान के घाट पर जाओ तो ज्ञान का मार्ग भी बड़ा कठिन है। ज्ञान का मार्ग कहता है ऐसे बैठो नहीं, ये खाओ नहीं, ये पहनो नहीं, ऐसे नहीं बोलो, ऐसे मत करो। तो ज्ञान के घाट पर भी बैठ करके भगवान को पाना थोड़ा कठिन है और भक्ति का घाट भी बड़ा कठिन है, क्योंकि नौ प्रकार की भक्ति है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति यमान, चौथी भक्ति मम गुणगना कर ही कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठतम शील बिरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मुहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने उन्हें देखई पर दोषा, नवम सरल सम सम छल हीना, मम भरोस ही हर खन दीना। ये नौ प्रकार की भक्ति है।
तो भक्ति के मार्ग में भी कठिनता है, ज्ञान के मार्ग में भी, कर्म के मार्ग में भी बड़ी कठिनता है। इसीलिए तुलसीदास बाबा कहते हैं कि यदि तुम्हें गंगा स्नान करना है, मंदाकिनी राम कथा गंगा में नहाना है, तो शरणागति के घाट पर आ जाओ। और शरणागति के घाट पर आकर के केवल ऐसे हाथ उठाओ और हाथ उठा करके भगवान को कह दो कि हे प्रभु, हम जैसे भी हैं आपके ही तो हैं। भगवान कहते हैं बस सकृदे प्रपन्नाय तवास्मीति चयाचते। एक बार यदि कोई यह कह देता है कि मैं आपका हूं, तो मेरा हृदय जो है द्रवित हो जाता है और उस जीव को मैं हृदय से लगा लेता हूं। यही भगवान की करुणा है। लेकिन भैया गृह कार्य नाना जंजाल, ते दुर्गम अति शैल विशाला। इस घाट पर आने के लिए ये घर गृहस्थी जो है ये एक बंधन ही है। लेकिन संत की कृपा हो जाए तो इस बंधन से भी निकला जा सकता है। सबसे पहले श्री तुलसी बाबा लिखते हैं, एक बार त्रेता जुग माही संभो गए कुंभज ऋषि पाई। एक बार की बात है, भगवान शिव को राम जी की कथा सुनने का मन किया तो कैलाश पर्वत से उतर करके अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंचे। एक बार त्रेता जुग माही संभु गए कुंभज ऋषि पाही। ये बात कौन किसको कह रहे हैं? तो कर्म के घाट पर श्री याज्ञवल्क ऋषि श्री भरद्वाज ऋषि को कथा सुना रहे। जब दो संत मिलते हैं तभी भगवान की कथा का जन्म होता है, संवाद होता है। माघ मकर गत रवे जब होई, माघ मकर गत रवे जब होई, आ माघ मकर गत रवे जब होई, माघ मकर गत रवे जब होई, तीर्थ पति ही आव सब को पति है आप सब कोई, तीर्थ पति आप सब कोई। तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी के तट पर श्री भरद्वाज ऋषि का आश्रम है। माघ महीने में दूर दूर के संत आते हैं माघ में स्नान करने तीर्थ राज प्रयाग में। इस वर्ष भी बहुत सारे महात्मा स्नान करने आए और एक महीना तक संत एक साथ रहते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण ही तत्व विभाग, अनेक प्रकार से भगवान के तत्व का व्याख्या करते हैं। वर्ण ही ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण ही तत्व विभाग। इस वर्ष भी जब महात्मा लोग आए, सभी महात्मा जाने लगे, सबको भरद्वाज ऋषि विदा करते हैं। सबसे अंत में श्री याज्ञवल्क जी ने विदा मांगा तो पैर पकड़ लिए, महाराज मेरे मन में एक संशय है। कैसा संशय? कि एक राम दशरथ का बेटा एक राम घट घट में बैठे, एक राम है सबका पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। याज्ञवल्क ऋषि हंसने लगे, वाह भरद्वाज जी, आप जन्म से लेकर के अभी तक राम जी की कथा ही सुनते आ रहे हैं। त्रिवेणी के तट पर आप वास करते हैं, यहाँ अनेक प्रकार के संत महात्मा कथा कहते हैं, लेकिन आज तक आपको पता नहीं चला कि राम कौन है। इसका ये मतलब नहीं कि भरद्वाज जी को राम जी के बारे में पता नहीं था,
इसका अर्थ यह है कि भरद्वाज ऋषि और कथा सुनना चाहते थे। यदि बता देंगे कि मैं राम जी को जानता हूं तो कथा नहीं होगी, इसलिए भरद्वाज ऋषि ने कहा कि मुझे राम जी की कथा सुनाइए। मेरे मन में संदेह है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम हुए हैं जो दशरथ जी के पुत्र हुए, एक राम घट घट में बैठा और एक राम है जो सब जीव के हृदय में है, हमारे हृदय में भी, आपके हृदय में भी, सबके हृदय में है। एक राम का है सब पसारा और एक राम जो सृष्टि को बनाने वाले हैं, एक राम है सबसे न्यारा। याज्ञवल्क ऋषि मुस्कुरा करके कहते हैं, सोई राम दशरथ का बेटा, सोई राम घट घट में बैठा, सोई राम का सब पसारा, सोई राम है सबसे न्यारा। वही राम दशरथ जी के पुत्र भी हैं, वही राम सब जीव के घट घट में निवास भी करते हैं और वही राम सबसे न्यारे हैं और वही राम संसार को बनाने वाले हैं। लेकिन हे भरद्वाज ऋषि, जैसे आपने मुझसे प्रश्न किया है, ऐसे एक बार सती ने भी भगवान शिव से प्रश्न किया था। ये प्रसंग हम कल सुनाएंगे, आज अपनी वाणी को यही विश्राम देते हैं। कथा का समय 2 बजे से 6 बजे रखा गया है, तो समय सीमा को ध्यान में रखना होगा और आप लोग कल से समय आ जाएं। 2 बजे हमारे संगीतज्ञ जो हैं सहयोगी गण बैठ जाएंगे और 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक कथा चलेगी। आइए वाणी को विश्राम दो, बड़ा भगवान नाम कीर्तन। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है इससे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं जय हो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हेलो, हरि सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले, हरि का नाम जपो निसिवासर, हरि का नाम जपो निसिवासर, इसमें बरस मही तीर्थ है
फिर क्यों फिरता मारा मारा तीरथ है हरि नाम तुम्हारा फिर क्यों फिरता मारा मारा तीरथ है हरि नाम तुम्हारा फिर क्यों फिरता मारा मारा तीरथ है हरि नाम तुम्हारा फिर क्यों फिरता समय हरि नाम नावे हद समय हरि नाम नावे काशी और मदीना हो हरि नाम नहीं तो जीना क्या 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 सब अंग सजावे रसना पर हरि नाम नावे भूषण से सब अंग सजावे रसना पर हरि नाम नावे भूषण से सब अंग सजावे रसना पर हरि नाम नावे भूषण से देह परी रह जाए यहीं पर 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 कुंडल और नगीना क्या कल सती को किस प्रकार से मोह हुआ है ये कथा हम कल व्यासपीठ के माध्यम से सुनेंगे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और ठाकुर जी की आरती में सभी लोग भाग लें। ओम जगेन जगमये जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः शशंत जत्र पूर्वे साध्याः संति देवाः आरती अवध बिहारी की लखन सिंह जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की लखन सिंह जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की लखन सिंह जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की लखन सिंह जनक दुलारी शीश पर क्रीट मुकुट सोहे शीश पर शीश मुकुट सोहे चंद्रिका की छवि मन मोहे चंद्रिका की छवि मन मोहे रेख कजरारे नैनन के लखन से जनक दुलारे की आरती अवध बिहारी की लखन
बिहारी के लखन से जनक दुलारी के चंद्रिका की छवि मन मोहे चंद्रिका की छवि मन मोहे लखन से बा बलिहारी की लखन से जनक दुलारी की लखन से बा बलिहारी की लखन से जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की लखन से जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की लखन से जनक धन्य सरयू निर्मल नीरा धन्य सरयू निर्मल नीरा भरत रिपुदलन महावीरा भरत रिपुदलन महावीरा धन्य सरयू निर्मल नीरा धन्य सरयू निर्मल नीरा भरत रिपुदलन महावीरा भरत रिपुदलन चरण सेवा धनुधारी के लखन से जनक दुलारी के आरती कमल बिहारी के लखन से जनक दुलारी के आरती अवध बिहारी के लखन से जनक दुलारी के आरती अवध बिहारी श्यामलता जोरी जोरी श्यामलता जोरी जोरे जिए जुग श्यामलता जोरी जोरी जिए जुग श्यामलता जोरी जोरे भजो रे मन सब माया तोरी तोरी भजो रे मन सब माया तोरी दर सहित युगल बिहारी के लखन से जनक दुलारी आरती अवध बिहारी के लखन से जनक दुलारी के आरती अवध बिहारी के लखन से जनक दुलारी के आरती अवध बिहारी के लखन से आरती अवध बिहारी के लखन से जनक दुलारी के आरती अवध बिहारी के लखन से जनक दुलारी 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 के जंददेवास्तानि धर्मानि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्दजत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः मंत्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि श्रीरामचरितमानसाय नमः। सभी लोग 108 बार भगवान के नाम का उच्चारण करें। सीताराम एक सीताराम दो सीताराम तीन सीताराम चार सीताराम पाँच सीताराम छ सीताराम सात सीताराम आठ सीताराम नौ सीताराम दस सीताराम ग्यारह सीताराम बारह सीताराम तेरह सीताराम चौदह सीताराम पंद्रह सीताराम सोलह सीताराम सत्रह सीताराम अठारह सीताराम उन्नीस सीताराम बीस सीताराम इक्कीस सीताराम बाईस सीताराम तेईस सीताराम चौबीस सीताराम पच्चीस सीताराम छब्बीस सीताराम सत्ताईस सीताराम अठाईस सीताराम उनतीस
सीताराम ते सीताराम एक तीस सीताराम बाते सीताराम पैंतीस सीताराम चौथे सीताराम पैंतीस सीताराम छठे सीताराम सैंतीस सीताराम अड़ते सीताराम उनचालीस सीताराम चालीस सीताराम इकतालीस हाँ हाँ सीताराम तैंतालीस सीताराम चौवालीस सीताराम पैंतालीस सीताराम छियालीस सीताराम सैंतालीस सीताराम अड़तालीस सीताराम उनचास सीताराम पचास सीताराम इक्यावन सीताराम बावन सीताराम तिरपन सीताराम चौवन सीताराम पचपन सीताराम छप्पन सीताराम सत्तावन सीताराम अठावन सीताराम उनसठ सीताराम साठ सीताराम इकसठ सीताराम बासठ सीताराम तिरसठ सीताराम चौसठ सीताराम पैंसठ सीताराम छियासठ सीताराम सड़सठ सीताराम अड़सठ सीताराम उनहत्तर सीताराम सीताराम इकहत्तर सीताराम बहत्तर सीताराम तिहत्तर सीताराम चौहत्तर सीताराम पचहत्तर सीताराम छिहत्तर सीताराम सतहत्तर सीताराम अठहत्तर सीताराम उनासी सीताराम अस्सी सीताराम इक्यासी सीताराम बिरासी सीताराम तिरासी सीताराम चौरासी सीताराम पचासी सीताराम छियासी सीताराम सतासी सीताराम अठासी सीताराम नवासी सीताराम नब्बे सीताराम इक्यानवे सीताराम बिरानवे सीताराम तिरानवे सीताराम चौरानवे सीताराम पंचानवे सीताराम छियानवे सीताराम संतानवे सीताराम अठानवे सीताराम निन्यानवे सीताराम सौ सीताराम एक सौ एक सीताराम एक सौ दो सीताराम एक सौ तीन सीताराम एक सौ चार सीताराम एक सौ पाँच सीताराम एक सौ छः सीताराम एक सौ सात सीताराम एक सौ आठ बोल पतित पावन नाम जो महाराज श्री सीताराम भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय गोस्वामी तुलसीदास जो महाराज की जय श्री दुर्गा मैया की जय श्री तुलसी महारानी की जय श्री मोहनी बाबा की जय अपने अपने माता पिता की जय अपने अपने गुरु गोविंद की जय अनंत रहने वालों की जय एकदम चुपचाप रहने वालों की जय आज कथा इतनी भई सुनिए वीर हनुमान जो जन जहां से आए हो सोतह के न पयान शिव जी कथा के अंत में लीजे प्रभु का नाम सब मिली जो कहो जय जय सीताराम ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय श्री राम राधे राधे नौ दिन लगातार हमर सबके बगल में हमर सबके नगर स्वास्थ्य प्रमुख मिश्री लाल मेहता जी के संयोजन में नौ दिन योग शिविर माँ बहन भैया जिनका इच्छा हो भोर में साढ़े चार बजे ए पंडाल में आए।